भारत और जमैका एक मत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु हमारे मन, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। लगभग 180 वर्ष पहले भारत से जो लोग जमैका गए थे, उन्होंने हमारे पीपल टू पीपल टाइज की मजबूत नींव रखी थी। आज जमैका को अपना घर मानने वाले लगभग 70,000 भारतीय मूल के लोग हमारी साझा विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री होलनेस और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार भारत से योग, बॉलीवुड और फोक म्यूजिक को जमैका ने अपनाया गया है, उसी तरह जमैका के रेगे और डांस हॉल भी भारत में पॉपुलर हो रहे हैं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्रिकेट प्रेमी देशों के रूप में स्पोर्ट्स हमारे संबंधों में एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक रहा है। कर्टनी वॉल्स की लेजेंडरी फास्ट बॉलिंग हो या क्रिस गेल की धुआंधार बल्लेबाजी, भारत के लोगों में जमैका के क्रिकेटर्स के लिए विशेष लगाव रहा है। हमने स्पोर्ट्स में अपना सहयोग और गहरा करने पर भी विचार विमर्श किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चाओं से निकले आउटकम्स हमारे संबंधों को उसेन बोल्ट से भी तेज गति देंगे और हम निरंतर नई ऊंचाइयां छूते रहेंगे।